वेलकम फ्रेंड, आज का टॉपिक है राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। भारत के संविधान में आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति से संबंधित हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा आर्टिकल में क्या प्रावधान राष्ट्रपति के लिए किया गया है। पहला है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 के अनुसार कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 54 भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित हैं। आर्टिकल 55 में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित प्रावधान हैं। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के पद की अवधि के बारे में बताता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक पद धारण कर सकता है। आर्टिकल 57 के अनुसार भारत में किसी भी व्यक्ति को कितनी भी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। वहीं आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख है। आर्टिकल 59 में भारत के राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। आर्टिकल 60 में भारत के राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को दिलाता है। आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो। आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव के आयोजन का प्रावधान है। आर्टिकल 65 में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने की शक्ति का प्रावधान है। आर्टिकल 71 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान करने के अधिकार का प्रावधान है। राष्ट्रपति कुछ मामलों में सजा को कम करने या निलंबित करने का शक्ति रखता है। आर्टिकल 74 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को सलाह या सुझाव देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का प्रावधान है। आर्टिकल 86 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं और उसे संदेश भी भेज सकता है। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति द्वारा विशेष अभिभाषण से संबंधित है। राष्ट्रपति 2 बार संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है, पहला नए चुनाव के बाद और दूसरा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देती है। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।